के साथ। एक बार फिर सुभासपा सुप्रीमो ओम प्रकाश राजभर ने बीजेपी सरकार पर हमला करते हुए कहा कि सभी पार्टियां अपना अपना काम कर रही हैं, जेपी नड्डा हो या योगी, सभी अपना काम कर रहे हैं, जनता महंगाई से त्रस्त है। इस पर चर्चा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को सद्बुद्धि नहीं आ रही है। प्रदेश में देश में एक समान शिक्षा पद्धति कैसे लागू हो, इस पर चिंतन करने का समय नहीं मिल रहा है। श्री राजभर गुरुवार को वाराणसी के सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में घरेलू बिजली का बिल कैसे माफ किया जाए, इस पर चिंतन करने का समय भाजपा के नेताओं को नहीं मिल रहा है। सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट रद्दी की टोकरी में पड़ी है। पिछड़ी जाति के आरक्षण 27% का बंटवारा, 7% पिछड़ा, 9% अति पिछड़ा, 11% सर्वाधिक पिछड़ा की रिपोर्ट को लागू करने का किसी भी भारतीय जनता पार्टी के नेता के पास समय नहीं है, लेकिन उसी पिछड़े समाज को गुमराह करने का इनके पास समय है। यह उसी पिछड़े समाज के पास जा रहे हैं जिनका वो हिस्सा नहीं दे रहे हैं। चाहे धर्मेंद्र प्रधान आवें, चाहे मोदी जी आवें, चाहे अमित शाह जी आवें, उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करने का मन बना चुकी है। ये चाहे कुछ कर लें, कुछ होने वाला नहीं है। तो ओबीसी के साथ में तो कितने सीट पे आप लोग लड़ेंगे? 403। कितना उनका रहेगा आपके साथ? आप बैठ के सब लोग तय करेंगे ना, जब बटेगा तो अपना तय हो जाएगा कितना उनको मिलेगा, कितना हमको, कितना किसको, कोई दिक्कत नहीं है। 403 सीटें हैं। सच के साथ।